है। आज हम लोग क्लास सेवेंथ ज्योग्राफी का दूसरा चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है इनसाइड आवर अर्थ। इन्वायरमेंट चैप्टर में हम लोगों ने अपने आसपास यानी पृथ्वी के ऊपर की सतह और उसके ऊपर की चीज़ों के बारे में पढ़ा था। आज हम लोग पृथ्वी के अंदर घूमने चलेंगे और देखेंगे कि पृथ्वी के अंदर क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं। यहाँ पे वर्ड डायनेमिक लिखा हुआ है। डायनेमिक का मतलब होता है सक्रिय, और सक्रिय को आप कह सकते हैं गतिशील, मतलब कि पृथ्वी गतिशील है और ये दो तरह का मोशन करती है। हम लोगों ने पढ़ा था रोटेशन एंड रेवोल्यूशन, इसलिए इसे डायनेमिक प्लैनेट कहा गया है। और अगर हम लोग पृथ्वी के अंदर चलना शुरू करें तो जैसे कि आपने प्याज को देखा होगा, ओनियन को, ओनियन पे जो है लेयर बाय लेयर जैसे ही आप हटाते जाइएगा ओनियन का, तो एक लेयर हटाइएगा दूसरा लेयर आ जाएगा। इस तरीके से पृथ्वी में भी लेयर बाय लेयर चीज़ें हैं। तो अगर पहला लेयर का बात करें जो कि सबसे पतला है, थिनेस्ट है, तो उसे क्रस्ट कहा जाता है। आप एक अंडे से कंपेयर कर सकते हैं अपने पृथ्वी को, और ये देख सकते हैं कि ये जो शेल है ऊपर वाला पतला हार्ड जो शेल होता है, तो वो क्रस्ट है, ठीक है, तो उसे क्रस्ट कहा जाता है। और क्रस्ट को आप ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि द अपर मोस्ट लेयर ओवर द अर्थ सरफेस इज कॉल्ड क्रस्ट, और ये सबसे पतला है। और कंटिनेंट्स पे अगर देखा जाए तो इसकी गहराई 35 किलोमीटर है। कंटिनेंट्स मतलब कि धरती पे जहाँ आप रहते हैं वहाँ से 35 किलोमीटर तक आपको क्रस्ट मिलेगा, उसके बाद फिर मेंटल मिलता है, आगे देखेंगे। और अगर आप ओशियन के फ्लोर पे चले जाएँ, मतलब कि ओशियन का पानी रहता है, पानी के नीचे आप चले जाएँ और वहाँ से जहाँ से मिट्टी मिलना शुरू होती है अगर नापे, तो 5 किलोमीटर तक का गहराई क्रस्ट का होता है। और ओशियन के फ्लोर से ओशियनिक क्रस्ट उसे कहा जाता है, मतलब ओशियन के नीचे से जो क्रस्ट आता है, जो मिट्टी मिलती है वहाँ से, तो वहाँ से जो है आप ओशियनिक क्रस्ट कहते हैं। और कंटिनेंट्स के ऊपर से देखिएगा तो कंटिनेंट्स से कॉन्टिनेंटल क्रस्ट कहा जाता है। पृथ्वी के गहराई में ज़्यादा जाना संभव नहीं है क्योंकि अंदर में बहुत हीट है, इसलिए दुनिया में जो माइंस हैं, मतलब कि जहाँ से खनिज पदार्थ निकाले जाते हैं, तो वो माइंस दुनिया का डीपेस्ट जो सबसे गहरा है वो साउथ अफ्रीका में है, जो कि मात्र 4 किलोमीटर गहरा तक खोदा गया है। और कहीं कहीं इंजीनियर्स लोग 6 किलोमीटर तक गहरा होल करके तेल वोल निकाला करते हैं। और अगर आपको पृथ्वी का सेंटर में जाना है तो पृथ्वी के सेंटर में जाने के लिए आपको लगभग 6000 किलोमीटर खुदाई करना पड़ेगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। और 6000 किलोमीटर इसलिए क्योंकि पृथ्वी का रेडियस जो है वो 6371 है, 6371 है, तो इसलिए आप अगर ओशियन फ्लोर से 6000 जाते हैं तो लगभग सेंटर में पहुंच जाइएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। ये क्रस्ट बहुत पतला है और पृथ्वी का ओनली 1% जो मास है वो क्रस्ट में मिलता है, क्रस्ट में आता है। और क्रस्ट का अगर देखें तो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, मतलब कि जिस कॉन्टिनेंट्स पे आप रहते हैं उसके नीचे अगर क्रस्ट में देखा जाए तो अधिकतर सिलिका और एल्युमिनियम मिलता है, जिसे आप सियाल वर्ड से याद कर सकते हैं, सिलिका एंड एल्युमिनियम। और अगर ओशियनिक क्रस्ट की बात करें, मतलब कि ओशियन के नीचे जो धरती मिलती है, जो क्रस्ट है, तो उसे सीमा से आप याद कर सकते हैं, सिलिका एंड मैग्नीशियम वहाँ ज़्यादा मिलते हैं। ये सिलिका, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, ये सब एलिमेंट्स हैं, केमिस्ट्री में पढ़ना रहता है। अब अगर क्रस्ट से नीचे चला जाए तो मेंटल आता है। मेंटल लगभग 2900 किलोमीटर की दूरी तक मिलता है। और मेंटल में दो पार्ट कर दिया जाता है, आउटर मेंटल एंड इनर मेंटल, इस तरीके से। और मेंटल को आप ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि द लेयर ऑफ अर्थ बिटवीन द क्रस्ट एंड कोर इज़ कॉल्ड मेंटल। अंडे का ये वाला पार्ट जो है ये मेंटल को दिखाता है। और मेंटल में ज़्यादा करके लिक्विड टाइप के मैटर्स रहते हैं। और फिर से अगर सेंटर में बढ़ेंगे तो सेंटर में थोड़ा सा सॉलिड की तरह मिलने लगते हैं, क्योंकि अंदर में प्रेशर बढ़ जाता है इसलिए, तो वो कोर कहलाता है। तो ये वाला पार्ट जो अंडा का है इसे आप कोर कह सकते हैं। ये लगभग 3500 किलोमीटर तक मिलता है, जबकि वो सेंटर तक पहुंच जाता है। तो इनर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ इज़ कॉल्ड कोर, आप कह सकते हैं। और मेनली जो एलिमेंट्स मिलते हैं वो निकल एंड आयरन मिलते हैं। आयरन को फेरस कहा जाता है, Fe से सूचित किया जाता है, तो इसलिए आप नाइफ के नाम से याद कर सकते हैं। और अंदर का कोर का जो प्रेशर है और टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है। पृथ्वी के अंदर क्रस्ट वाले भाग में रॉक्स एंड मिनरल्स मिलते हैं। तो रॉक्स एंड मिनरल्स एंड एक और टर्म आता है ओर,
ये आगे क्लासेस में भी आएंगे, तो इसे समझना जरूरी है। देखिए, मान लीजिए आप पृथ्वी के अंदर जाते हैं और आपको एक बड़ा सा हार्ड मटेरियल मिलता है, तो उस हार्ड मटेरियल को आपने रॉक कह दिया और उस मटेरियल का आपने टुकड़ा किया और आपने देखा कि वो जो मटेरियल था जिसे आपने रॉक कहा वो बना हुआ था फेरस ऑक्साइड का मान लीजिए और एक तरफ जिंक ऑक्साइड मान लीजिए, मतलब कि एक हार्ड मटेरियल को टुकड़ा किया तो टुकड़े में एक टुकड़ा देखा कि अरे ये तो फेरस ऑक्साइड है और ये जिंक ऑक्साइड है। तो ये जिंक ऑक्साइड और फेरस ऑक्साइड ये सब्सटेंसेस होते हैं, केमिकल सब्सटेंसेस, तो इन्हीं से जिंक मेटल या आयरन मेटल निकलते हैं, प्यूरिफिकेशन के द्वारा इसे निकाला जाता है। तो ये आपको दिखा और फिर उसमें एक और चीज़ दिखा आपको कि ऑर्गेनिक मैटर्स हैं। ऑर्गेनिक मैटर मतलब ऑर्गेनिक मतलब होता है कि ऑर्गेनिज्म से बना हुआ, जैसे कि कोई प्लांट्स मर गया और वो दब गया पृथ्वी के अंदर, उससे जो रॉक्स बने तो उसे उसमें ऑर्गेनिक मैटर भी इंक्लूड होंगे। तो इस तरीके से आपको एक रॉक मिला और ये तीनों चीज़ मिले, तो आप अब रॉक को एक अच्छे तरीके से डिफाइन कर सकते हैं कि रॉक इज़ अ हार्ड मटेरियल कंपोज्ड ऑफ मिनरल्स एंड ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। तो ये आपका रॉक का डिफिनेशन हो गया। अब आपने जो उस रॉक का पार्ट किया उसमें आपको जिंक ऑक्साइड और फेरस ऑक्साइड जो मिले थे ये मिनरल्स कहे जाएंगे, क्योंकि इनका अब इनको मिनरल्स कहा जाएगा। इनके पास एक ख़ास तरीके का देखिए केमिकल कंपोजिशन है, जैसे फेरस ऑक्साइड है तो Fe2O3, इनके पास एक केमिकल जो है फार्मूला है, और फिर इनके पास कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ भी होंगे, जैसे कि फेरस ऑक्साइड आपको रेडिश कलर का दिख रहा है तो वो एक रेडिश जो है ये फिजिकल प्रॉपर्टीज़ भी हो गई, और ये प्राकृतिक के रूप से बनाए गए हैं, मतलब कि नेचर ने इसे बनाया है, और इसमें आपको ऑर्गेनिक चीज़ें नहीं मिलेंगी, मतलब कि प्लांट्स और एनिमल्स के जो रिमेंस हैं सड़े गले पदार्थ वो सब आपको इसमें नहीं मिल रहे हैं, तो आपने उसे मिनरल नाम दे दिया। अब आप मिनरल्स को आसानी से ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि मिनरल्स आर द इनऑर्गेनिक नेचुरली अकरिंग सब्सटेंसेस डैट हैव यूनिक केमिकल स्ट्रक्चर एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज़। अब मान लीजिए आपको वहीं पे एक ऐसा रॉक मिला, मतलब पत्थर ही मिला, जिसमें आपको दिखा कि फेरिक ऑक्साइड या फेरस ऑक्साइड मतलब कि आयरन का ऑक्साइड बहुत ज़्यादा है और उसमें जो इम्प्योरिटीज़ हैं बहुत कम है, मतलब कि आयरन का मात्रा उसमें बहुत ज़्यादा है। तो ऐसे रॉक मिला जिसमें आप सोचिएगा कि आसानी से इसमें से बहुत मात्रा में आयरन निकल जाएगा और आयरन से हम लोग औजार बनाएंगे ये सब, तो ऐसा मिनरल जिसमें अधिक मात्रा में कोई खास मेटल हो उसे ओर कहते हैं, ठीक है। तो अब आप ओर को ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, द मिनरल फ्रॉम विच मेटल्स कैन बी एक्सट्रैक्टेड प्रॉफिटेबली, मतलब कि लाभ के साथ ही ऐसे मिनरल्स जिनमें से लाभ हो मेटल्स को निकालने में, उनमें बहुत सारे मेटल्स निकले, उन्हें ओर कहते हैं। तो इस तरीके से आप रॉक्स, मिनरल्स एंड ओर को समझ सकते हैं। यहाँ पे शॉर्ट में रॉक को डिफाइन किया गया है कि जो भी एनी नेचुरल मास ऑफ मिनरल, मतलब कि मिनरल का मास, मिनरल दो तीन मिनरल मिलकर के नेचुरली ये सब अकरिंग होते हैं इसलिए इसे नेचुरल मास कहा है, और मिनरल मेटल और जो कि अर्थ क्रस्ट को बनाते हैं, मतलब कि अर्थ क्रस्ट में वो सब रहते हैं अधिक मात्रा में, इसलिए कहा है कि अर्थ क्रस्ट को बनाते हैं उन्हें रॉक कहते हैं। और रॉक्स के डिफरेंट कलर और साइज हो सकते हैं और यहाँ तक कि उनका बनावट भी डिफरेंट हो सकता है, टेक्स्चर मतलब बनावट होता है। अब आइए टाइप्स ऑफ रॉक को समझते हैं। तो मैंने मेंटल में बताया था आपको कि मेंटल वाले पार्ट में लिक्विड फॉर्म में सब्सटेंसेस होती हैं, तो वो इसलिए होते हैं क्योंकि हाई टेम्परेचर पे होते हैं, और आपने देखा होगा कभी कभी सुना भी होगा कि आग निकलने लगता है पृथ्वी से, तो पृथ्वी में जो है वो आग होता है और उसके ऊपर से क्रस्ट है, और जहाँ से क्रस्ट लीकेज करता है वहाँ से मोल्टेन मैग्मा बाहर निकलता है। अब मैग्मा क्या होता है, तो जो वो लिक्विड वाला पार्ट है जो कि हॉट है और लिक्विड वाला पार्ट है उसे मैग्मा कहा जाता है, तो वो जब बाहर निकलता है तो उसे लावा कहा जाता है, ठीक है। मैग्मा अंदर रहते हुए उसे मैग्मा कहा जाता है, और वो जब क्रस्ट को से बाहर निकलता है तो उसे लावा कहा जाता है, और यही लावा जब बाहर निकलता है तो ऊपर गर्मी उतना नहीं है इसलिए वो ठंडा होता है, और ठंडा होने की वजह से वो रॉक्स का फॉर्म करता है।
आप इस इमेज में देख सकते हैं कैसे लावा बाहर निकल रहा है और उसे इग्नियस रॉक कहते हैं। तो ये पहला बार लावा बाहर निकला और वो रॉक बनाया, इसलिए इसे प्राइमरी रॉक्स कहा जाता है और ये वोल्केनोज में के समय बाहर निकलते हैं। इग्नियस रॉक को आप ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि द रॉक फॉर्म्ड फ्रॉम लावा विच इज़ कमिंग आउट फ्रॉम द अर्थ इज़ कॉल्ड इग्नियस रॉक। इग्नियस रॉक दो प्रकार के होते हैं, एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक एंड इंट्रूसिव इग्नियस रॉक। एक्सट्रूसिव का मतलब ये होता है कि बाहर, तो जो भी लावा अगर निकलते हैं पृथ्वी से तो कुछ ऐसे होते हैं जो पूरे तरह से क्रस्ट के ऊपर से बाहर आ जाते हैं, तो बाहर निकलते हैं वो लावा उन्हें और फिर वो कूलिंग होते हैं और कूल होकर के एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक बना लेते हैं, जैसे कि बेसाल्ट आपका एग्जाम्पल है और डेक्कन प्लेट्यू जो इंडिया का है ये वाला पार्ट, ये बेसाल्ट रॉक से ही बना हुआ है। और एक्सट्रूसिव जो लावा निकलते हैं वो बहुत जल्द कूलिंग हो जाते हैं, बहुत जल्द ठंडा होते हैं, तो इस तरीके से दाने दाने टाइप से वो ठंडा होते जाते हैं और फिर वो एक दूसरे से मिल जाते हैं तो रॉक्स का निर्माण करते हैं, इसलिए उसे फाइन ग्रेनेड स्ट्रक्चर कहा जाता है, मतलब कि बहुत छोटे छोटे दाने का स्ट्रक्चर। इस इमेज में आप देख सकते हैं बेसाल्ट को। और फिर इंट्रूसिव इग्नियस उसे कहा जाता है कि जैसे कि मैग्मा बाहर आया और पूरी तरीके से अर्थ क्रस्ट को बाहर नहीं आ पाया और अंदर ही कूल हो गया और वो हार्ड रॉक बना लिया, तो अंदर जो कूलिंग होती है वो धीमे धीमे कूलिंग होती है, इसलिए बड़ा बड़ा दाने बनाते हैं और वो फिल मिल करके रॉक्स मतलब कि हार्ड रॉक्स बड़ा सा बना देते हैं। तो इस इमेज में आप देख सकते हैं ये ग्रेनाइट आपका इस इंट्रूसिव इग्नियस रॉक का एग्जाम्पल है। यहाँ पे वर्ड ओरिजिन दिया हुआ है कि इग्नियस सेडिमेंटरी और मेटामॉर्फिक रॉक्स के जो नाम है ये कहाँ से आए हुए हैं उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, पढ़ लीजिएगा। और फॉसिल्स का डिफिनेशन यहाँ दिया हुआ है, तो फॉसिल्स वो होता है जैसे कि कोई प्लांट्स या एनिमल मर गया और वो पृथ्वी के अंदर दब गया और बहुत दिनों बाद वो दब करके पूरा सड़ गल गया, तो और उसमें से जो बचा उसे फॉसिल्स कहते हैं, ठीक है। और फॉसिल्स से ही बाद में वो कोयला और पेट्रोल जो बनता है ये सब बनता है। तो आप यहाँ पर लिखा हुआ है कि द रिमेंस ऑफ द डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स ट्रैप्ड इन द लेयर ऑफ रॉक्स, रॉक्स के बीच में जो रिमेंस जो बचे हुए कुछ जो प्लांट्स के डेड एनिमल्स के पार्ट होते हैं उसे फॉसिल्स कहते हैं। डिफिनीशन अच्छा है, आप इसी को पढ़ लीजिएगा। अब इग्नियस रॉक्स तो बन गए और मान लीजिए पहाड़ बन गए और पहाड़ से फिर वो टूटा, फिर उस पर से मान लीजिए रिवर चला और फिर रिवर उसे तोड़ते जाता है, फिर टूटते टूटते वो छोटे छोटे फ्रैगमेंट्स में बढ़ जाते हैं और धीमे धीमे इतना छोटा छोटा हो जाता है कि उसे सेडिमेंट्स कहते हैं और बालू जिसे आप नदियों से निकाला जाता है, तो बहुत से तरह से टूटते हैं, हवा से भी, वाटर से भी, और इस सब नेचर के तरह नेचर के द्वारा तोड़े जाते हैं, तो ये सेडिमेंट्स में टूट जाते हैं। अब ये इग्नियस रॉक्स सेडिमेंट्स जब बन जाते हैं तो कभी ऐसा कंडीशन आया मान लीजिए कि भूकंप आ जाता है और उसमें नीचे दब जाता है वो सेडिमेंट्स, तो उस पर हार्ड प्रेशर पड़ेगा ऊपर का और हार्ड प्रेशर और अंदर में टेम्परेचर है, तो फिर वो प्रेशर एंड टेम्परेचर की वजह से एक रॉक्स बन जाते हैं, हार्ड थिंग बन जाते हैं जिसे रॉक्स फिर कहा जाएगा, तो उसे अब सेडिमेंट्री रॉक कहा जाएगा। तो इसे आप सेकेंडरी रॉक कह सकते हैं क्योंकि प्राइमरी रॉक जो इग्नियस बना था उसी का टुकड़ा टुकड़ा हुआ फिर उससे जो रॉक्स बना उसे सेकेंडरी रॉक्स सेडिमेंट्री रॉक्स कहा जाता है। सैंड स्टोन आपने नाम सुना होगा, इस इमेज में देख सकते हैं, तो ये भी सैंड स्टोन आपका सेडिमेंट्री रॉक्स का एग्जांपल है। ऐसा आपको समुद्र में भी होता है, समुद्र के नीचे मान लीजिए सेडिमेंट्स चले गए और सेडिमेंट्स वहाँ दब करके सेडिमेंट्री रॉक का निर्माण करते हैं, तो उसे भी होता है। और इसमें एक और ख़ास बात है कि प्लांट्स और एनिमल्स के जो रिमेंस होते हैं मतलब फॉसिल्स जो होते हैं वो भी मिल जाते हैं, क्योंकि मान लीजिए भूकंप आया तो प्लांट्स एंड एनिमल्स भी अंदर गए होंगे, तो इस तरीके से सेडिमेंट्री रॉक्स में आपको प्लांट्स एंड एनिमल्स का रिमेंस भी मिलता है। रिमेंस मतलब होता है बचा कुचा चीज़। अब मान लीजिए इग्नियस रॉक एंड सेडिमेंट्री रॉक किसी तरीके से बहुत डीप अंदर चला गया पृथ्वी के, तो ज़्यादा डीप जाएगा तो ज़्यादा प्रेशर वहाँ लगेगा और ज़्यादा प्रेशर और ज़्यादा टेम्परेचर भी है वहाँ पे, तो इस तरीके से इग्नियस रॉक चाहे सेडिमेंट्री रॉक बदल जाते हैं मेटामॉर्फिक रॉक्स में,
तो ये तीसरा स्टेप का रॉक है, तो इसे मेटामॉर्फिक, मेटा का मतलब ये होता है बाद वाला, तो मेटामॉर्फिक रॉक्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, जैसे कि क्ले जो है आपका स्लेट में कन्वर्ट हो जाता है, स्लेट का आप इमेज देख सकते हैं रॉक्स का, और लाइम स्टोन जो बना रहता है वो आपको मार्बल में कन्वर्ट हो जाता है, तो मार्बल जो कि पत्थर घरों में लगता है, तो ये आप इमेज भी देख सकते हैं लाइम स्टोन का और फिर मार्बल का। तो इस तरीके से ये मेटामॉर्फिक रॉक लास्ट स्टेज है। फिर यही मेटामॉर्फिक रॉक मान लीजिए और नीचे चला गया और फिर वो इतना गर्म हो गया कि मैग्मा में कन्वर्ट हो गया, मतलब कि लिक्विड टाइप पे हो गया, फिर वही फिर बाहर मैग्मा से कहीं निकला लावा की तरह और फिर वो हार्ड रॉक में कन्वर्ट हो गया, इग्नियस रॉक में। तो इस तरीके से रॉक का साइकिल चलता है, पूरा रॉक का साइकिल यहाँ दिया हुआ है कि आप देख सकते हैं कि मोल्टन मैग्मा जो होता है वो सॉलिडिफाइड होता है तो आपका इग्नियस रॉक बन जाता है, फिर इग्नियस रॉक सेडिमेंट्स में टूटता है, फिर सेडिमेंट्स जब वो प्रेशर और टेम्परेचर बढ़ता है तो सेडिमेंट्री रॉक्स बन जाते हैं, फिर सेडिमेंट्री रॉक्स हो सकता है कि ज़्यादा डाउन नीचे जाए फिर मैग्मा में कन्वर्ट हो जाए, लिक्विडिफाई हो जाए और फिर वो मैग्मा आपका फिर बाहर आए और फिर इग्नियस रॉक्स बन जाए, फिर ऐसा भी हो सकता है सेडिमेंट्री रॉक्स मेटामॉर्फिक रॉक में बदल जाए डायरेक्ट। तो इस तरीके से मेटामॉर्फिक रॉक फिर आपको अगर नीचे जाए प्रेशर बढ़े और फिर मैग्मा में कन्वर्ट हो जाए और उससे इग्नियस रॉक बन जाए, फिर ऐसा भी हो सकता है कि ये इग्नियस रॉक्स डायरेक्ट मेटामॉर्फिक रॉक्स में कन्वर्ट हो जाए, और ऐसा भी हो सकता है कि मेटामॉर्फिक रॉक आपका टुकड़ों में बढ़ जाए और फिर सेडिमेंट्स बना ले, फिर सेडिमेंट्स से सेडिमेंट्री रॉक बना ले, या फिर सेडिमेंट्री रॉक आपका टूट करके सेडिमेंट्स में कन्वर्ट हो सकता है। तो इस तरीके से रॉक साइकिल चलते रहता है, एक दूसरे से बनते रहता है, बिगड़ते रहता है, टूटते रहता है। जो ये हार्ड रॉक्स होते हैं इनसे रोड्स, हाउसेस एंड बिल्डिंग्स बनते हैं, आप देख सकते हैं रेड सैंडस्टोन से आपका रेड फोर्ट बना हुआ है दिल्ली का जो कि है, और फिर ताजमहल का नाम सुना होगा आपने, वाइट मार्बल से बना हुआ है। यहाँ पे मिनरल्स को डिफाइन करने की कोशिश की गई है, ये भी ठीक ठाक है, वैसे मैंने जो लिखा दिया है वो भी ठीक है। आपने देखा होगा कि रॉक्स में मैंने हार्ड वर्ड इस्तेमाल किया है लेकिन मिनरल्स में हार्ड वर्ड इस्तेमाल नहीं किया है, तो इसका मतलब यही है कि मिनरल्स जो हैं सॉफ्ट भी हो सकते हैं, लिक्विड भी हो सकते हैं और गैस के फॉर्म में भी हो सकते हैं, हार्ड होना मिनरल्स का ज़रूरी नहीं है। जैसे कि आपने कोल देखा होगा तो कोल हार्ड है, नेचुरल गैस जो कि CNG गैस निकलता है, तो ये जो गैस होता है इससे गाड़ियाँ चलती हैं, तो ये और पेट्रोलियम पेट्रोल, तो ये सब लिक्विड भी हैं, गैस भी हैं, तो ये सब भी मिनरल्स हैं। और इंडस्ट्रीज़ में आयरन, एल्युमिनियम का मैंने एग्जांपल दिया था वहाँ, यूरेनियम, गोल्ड, ये सब मिनरल्स ही हैं। और फिर आपका मेडिसिन भी बहुत तरह के मिनरल्स से भी बनाए जाते हैं, जैसे कि फर्टिलाइजर्स जो हैं प्लांट से ग्रो कराने में मदद करते हैं, तेज़ करने में ग्रोथ को, तो ये भी मिनरल्स हैं, मिनरल्स के ये सब एग्जांपल दिए गए हैं। अब आइए एक्सरसाइज करते हैं। पहला क्वेश्चन है व्हाट आर द 3 लेयर्स ऑफ द अर्थ, तो आपने जान ही गया है कि क्रस्ट, कोर एंड मेंटल होता है। व्हाट इज अ रॉक, तो रॉक का डिफिनेशन मैंने लिखा दिया है, वही उसी को आप लिख दीजिएगा। उसके बाद है कि नेम 3 टाइप्स ऑफ रॉक्स, तो तीन प्रकार आपको इग्नियस, सेडिमेंट्री एंड मेटामॉर्फिक रॉक आप लिख दीजिएगा। और फिर आपका है हाउ आर द एक्सट्रूसिव एंड इंट्रूसिव रॉक्स फॉर्म्ड, तो कैसे बनते हैं, तो वो प्रोसेस मैंने बताया था कि मैग्मा बाहर आता है, जब बाहर पूरी तरीके से अर्थ क्रस्ट पे आ जाता है तो एक्सट्रूसिव बनता है, फिर अर्थ के अंदर ही सॉलिडिफाई हो जाता है तो इंट्रूसिव बनता है, तो ये सब आप लिख दीजिएगा। फिर कहता है व्हाट डू यू मीन बाई अ रॉक साइकिल, रॉक साइकिल का आप मतलब क्या समझते हैं, तो जो ये रॉक का कन्वर्जन होता है एक दूसरे फॉर्म में, तो और फिर ये सभी फॉर्म मिला करके एक साइकिल का निर्माण करते हैं और इस साइकिल को रॉक साइकिल कहते हैं, तो ऐसे आप लिख दीजिएगा। फिर है कि व्हाट आर द यूजेस ऑफ रॉक्स, रॉक्स के यूजेस क्या हैं, तो मोनूमेंट्स एंड रोड्स एंड बिल्डिंग्स बनाने में इनके यूजेज हैं ये सब। उसके बाद व्हाट आर द मेटामॉर्फिक रॉक्स, तो इसका डिफिनेशन आप लिख दीजिएगा कि द रॉक्स फॉर्म फ्रॉम सेडिमेंट्री एंड इग्नियस रॉक्स ड्यू टू हाई प्रेशर एंड टेम्परेचर ऑन देम, इस तरीके से आप लिख सकते हैं। फिर उसके बाद है कि द रॉक विच इज़ मेड अप ऑफ मोल्टन मैग्मा, ऐसा रॉक का नाम बताइए जो कि मोल्टन मैग्मा से बना हुआ है, तो इग्नियस होता है डायरेक्ट पहले बनता है। उसके बाद है इनर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ, तो इनर मोस्ट आपका कोर है,
फिर गोल्ड, पेट्रोलियम और ये कोल, ये सब क्या है, तो ये सब मिनरल्स हैं, ठीक है ना। उसके बाद रॉक्स विच कंटेन फॉसिल्स, ऐसा रॉक का नाम बताइए जिसमें फॉसिल्स भी होते हैं, यानी रिमेंस ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स का जो बचा कुचा सामान होते हैं वो सब होने चाहिए। तो वो सेडिमेंट्री रॉक्स में आपको मैंने बताया था। फिर आपका है कि थिनर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ, अर्थ का जो सबसे पतला लेयर है तो वो कौन सा है, तो वो क्रस्ट है। फिर आपका है कि कोर को मिलाना है तो इनर मोस्ट हो जाएगा। मिनरल्स आपका डिफिनिट केमिकल कंपोजिशन हो जाएगा, ठीक है ना, मिनरल्स का डिफिनिट केमिकल कंपोजिशन होता है। रॉक्स का आपका हो जाएगा यूज्ड फॉर रोड्स एंड बिल्डिंग्स के लिए यूज होता है। और फिर सियाल का आपका हो जाएगा मेड ऑफ सिलिकॉन एंड एलुमिनियम, तो सियाल का शॉर्टकट हम लोगों ने सियाल याद किया था, सिलिकम सिलिकॉन एंड एलुमिनियम। और ये क्ले वाला पार्ट जो है, क्ले बाद में स्लेट बन जाता है, ठीक है ना, तो स्लेट, तो ये आपका हो जाएगा। अब आपको गिव रीज़न करके ये क्वेश्चन आता है, ये कहता है कि वी कैन नॉट गो टू द सेंटर ऑफ द अर्थ, इसका कारण बताइए। तो हम लोग अंदर पृथ्वी के सेंटर में नहीं जा सकते हैं, कारण ये है क्योंकि बहुत प्रेशर है, हाई प्रेशर एंड टेम्परेचर भी बहुत ज़्यादा है, तो आदमी पिघल ही जाएगा, तो इसलिए ये आप कारण लिख दीजिएगा। फिर दूसरा है सेडिमेंट्री रॉक्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम सेडिमेंट्स, तो सेडिमेंट्स के हाई प्रेशर एंड टेम्परेचर की वजह से सेडिमेंट्स जो है सेडिमेंट्री रॉक्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, तो ये भी कारण लिख दीजिएगा। फिर लाइम स्टोन इज चेंज्ड इनटू मार्बल, तो लाइम स्टोन जो है मार्बल में कन्वर्ट हो जाता है जो कि मेटामॉर्फिक रॉक्स हैं, तो ये भी ऐसे ही होते हैं, हाई प्रेशर एंड टेम्परेचर के कारण ये कन्वर्ट होते हैं, तो ये सब आपको कारण लिखने हैं, ऐसे ऐसे कारण लिख दीजिएगा। और ये फन के लिए है, इनमें आपको बताने हैं कि कौन कौन से, ये जैसे ऑर्नामेंट्स हैं, हैमर है, बेल है, इनमें कौन कौन से मिनरल्स यूज हुए हैं। तो जैसे कि हैमर में आपको आयरन हुए हैं, ऑर्नामेंट्स में आपको दो तरह के प्लेटिनम हो सकते हैं या सिल्वर या गोल्ड, इस तरीके से होते हैं, तो ये सब आप लिख दीजिएगा। मेरे द्वारा ये हाईलाइट जो PDF है, इसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप उस लिंक से जा करके इस PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि हमें आगे भी पढ़ाते रहना चाहिए, तो इस